हेलो गाइस, इट्स मी सौरव मन्ना, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली बीटेक फर्स्ट ईयर वालों के लिए थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग और फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो उस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ मेंशन किया हो, आज आपके साथ यही चीज़ शेयर करने वाला हूँ, आपको अच्छे से समझाने वाला हो ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। ठीक है, पहला पॉइंट ये नोटिफिकेशन में लिखा होगा, इसमें जो फर्स्ट या तो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जिनका नाम था स्टेट मेरिट लिस्ट में, तो वो लोग थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। जिसको सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोई कॉलेज नहीं मिला हो या तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज नहीं मिला था, तो वो लोग थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर जिनको अपग्रेड करवाना है थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, अपना कॉलेज या तो ब्रांच अपग्रेड करवाना है, तो वो लोग थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब इस नोटिफिकेशन में ये भी लिखा हुआ कि जैसे सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में क्या था कि जो न्यू स्टूडेंट है उनको मौका मिला था ना एक बार फॉर्म फिलअप करने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो इस बार थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में ऐसा कोई मौका नहीं मिला है। तो इतना चीज जान लीजिए, जो न्यू स्टूडेंट है, जो लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि सर मैं थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में फिर से एप्लीकेशन फॉर्म भरने का मौका मिलेगा क्या फॉर न्यू स्टूडेंट के लिए, तो जी नहीं, इस बार आपको मौका नहीं मिला है थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में फिर से न्यू फिलअप फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जिनका नाम था फर्स्ट सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में स्टेट मेरिट लिस्ट में, सिर्फ वही लोग थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, थर्ड या तो फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं इसमें जो थर्ड राउंड ऑफ फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग है ना, इसमें मतलब ऐसा प्रोसेस कर दिया है ना, मतलब आपको चॉइस फिलिंग जो है, आपको एक ही बार चांस मिलेगा चॉइस फिलिंग करने के लिए। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आप एक ही बार चॉइस फिलिंग करोगे ना, उसी चॉइसेस में से आपको थर्ड और फोर्थ राउंड दोनों में अप्लाई करवा दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था, मैंने चॉइस फिलिंग कर दिया। ठीक है, तो अगर मुझे मनपसंद कॉलेज अगर मिल जाता है तो मैं अपना एडमिशन ले लूंगा थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में। ठीक है, अब क्या होता है अगर मुझे मनपसंद कॉलेज या तो मनपसंद ब्रांच अगर नहीं मिलता है मुझे, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए मैं अप्लाई कर दूंगा। मतलब ऐसे डायरेक्ट आपको अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा, मतलब थर्ड फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। आपको बस एक ही बार चॉइस फिलिंग करना है ना, आपको बस एक ही बार चॉइस फिलिंग करना है। ओके, तो बस उसी चॉइसेस में से आपको अगर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर आपको मनपसंद कॉलेज या तो ब्रांच ना मिले, तो आप लोग फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए एप्लीकेबल हो। अगर फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग में कॉलेज मिल जाता तो अच्छी बात है। इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया हुआ था, तो चॉइस फिलिंग जो है वो आपका 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, जो कि 400 रुपये देगा आपको, पेमेंट करके आपको चॉइस फिलिंग वगैरह करना होगा। 7 तारीख इसका लास्ट डेट है। फिर आपका 10 से लेकर 14 के बीच में आपको थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग का जो एडमिशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल, वो सब आपको कर लेना होगा। ठीक है, फिर क्या होगा उसके बाद 18 तारीख से आपको फिर से अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा फॉर अपग्रेडेशन के लिए, जो लोग अपग्रेड करवाना चाहते हैं, तो 18 तारीख को फिर से आपको अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। तो उस टाइम आप अपना अलॉटमेंट लेटर लेके आप अपना एडमिशन वगैरह करवा सकते हो, अगर किसी को अपग्रेड करवाना हो तो। ठीक है, तो यही चीज इसमें बता दिया गया है। और चॉइस फिलिंग जो है, आप ज्यादा से ज्यादा चॉइसेस रखिएगा, बेटर चॉइसेस रखिएगा, ताकि आपको जो कॉलेज लेना है वही कॉलेज आपको मिले। ठीक है, जो तो मन चाहे चॉइसेस मत रख दीजिएगा, जो कॉलेज जो चॉइसेस आपको रखना है, कॉलेज का चॉइसेस आपको रखना है, वही चीज आपको इसमें रखना होगा। ठीक है, सीट मैट्रिक्स भी कल तक जारी कर दिया जाएगा, तो सीट मैट्रिक्स रिगार्डिंग मैं अपडेट कर दूंगा, कितना कॉलेजेस में कितना सीट्स अवेलेबल रहेगा मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, और जो डेट्स है वो सब आपको इमेज देख ही रहा होगा, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है ना, सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छे लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।